बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामना लोग को। बसंत पंचमी ये खास कर हमारे बच्चे लोग के लिए है। माँ सरस्वती सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, यही हमारा। मैडम, वार्ड पार्षद चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, विरोधी लगातार कह रहे हैं कि वार्ड में काम नहीं हुआ, वर्तमान पार्षद ने कुछ काम नहीं किया है, क्या कहेंगे आप? ये तो आपको सामने में दिख जाएगा, ये तो आप जाके देख भी सकते हैं कि जितना भी योजना आया, हम अपना सारा योजना हम अपने वार्ड में लेकर के आए, कच्ची गली नली का हो, जर्जर का हो, सारे योजनाओं को हम लेकर के अपने वार्ड में आए, सारे जगह काम कर। कोई ऐसा गली अभी तक हमारा नहीं बचा है जो छूटा हुआ, जो छूटा हुआ है वो कुछ दिन में वो भी पूरा हो जाएगा। तो क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं इतने दिनों में, क्या विशेष जनता को दिया है आपने? बहुत कुछ, सारे नली गली जितना था सबको दुरुस्त करवाए, नल जल का योजना लेकर के आए, समरसेबुल हमने करवाया, और ये राशन कार्ड भी बनवाया। लॉकडाउन में भी हमने राशन कार्ड कम से कम 1500 आदमी का बनवाया, और पहले से भी बना हुआ था हमारे यहाँ राशन कार्ड। गलियों के को लेके ज्यादातर लोगों को समस्या होती है कि जल जमाव हो जाता है, नाली ठीक नहीं होता है, तो इस पे लेके आप क्या कुछ कर रही हैं? अभी कहीं भी बता दीजिए कि कहीं भी हमारे इलाका में जल जमाव का समस्या है, तो यदि आप देख करके बता सकते हैं कि कहीं भी है तो आप जो कहिएगा सो। गली निर्माण को लेके, बाकी सड़क निर्माण, गली निर्माण जो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, उस पे क्या कुछ अभी चल रहा है आपका? कल हमने एक गली का शिलान्यास किया, 1 करोड़ योजना के अंतर्गत हमारा आया है, जिसमें 4 गली हमारा है, उसमें जैनलाल गली, आजाद पथ, चिरैयाटार 1 नंबर गली, और एक वकील साहब का गली है, 4 गली का निर्माण हम लोग करवा रहे हैं, जिसका उद्घाटन, 1 गली का उद्घाटन तो कल हमने किया है, 1 नंबर गली का। अच्छा, जन सुविधा की क्या आपको लगता है कि यहाँ पे और क्या होना चाहिए जो आप अभी करवाना चाहती हैं? हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल यहाँ नहीं है, चाहे शिक्षा के मामले में भी यहाँ पर बहुत हम लोग के यहाँ कमी है, स्कूल की स्थिति बहुत जर्जर है, ये हम चाहते हैं कि सब स्कूल का स्थिति जो है, जो जर्जर है, वो दुरुस्त हो, बच्चे लोग इधर उधर ना भटके, प्राइवेट स्कूल में ना जा करके सरकारी स्कूल में ही पढ़े। तो आपने इसके लिए क्या कुछ प्रयास किया है? जी, हमने लिखित में भी दिया कि ऐसा ऐसा स्थिति है, इससे उसको आप जल्दी से जल्दी दूर करें, पर अभी तक उधर से कोई हमको आश्वासन नहीं। अच्छा, अब कोई ऐसा काम जो आप दोबारा अगर चुनी गई तो उसको प्राथमिकता के आधार पर करना चाहती हो? जी हाँ, जैसे अभी हम सेवा कर रहे हैं उसी तरह अगली बार भी हम ऐसे ही जनता का सेवा करना चाहते हैं। कोरोना काल में भी हमने राशन बंटवाया लोगों को अपनी तरफ से, जहां तक होता है हम अपना हम मदद करते हैं, अब पूरी तरह से तो हम नहीं कर सकते हैं, पर जितना होता है हम अपना करते हैं, हमको सरकार का कोई सहयोग नहीं मिलता है, अपने बदौलत ही हम करते हैं। लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? लोग से कहना चाहेंगे कि आप इसी तरह मेरा साथ दीजिए कि हम आगे भी आपके लिए खड़ा रहें, आपके बात पे हम खड़ा उतरे, और ये भी कहना चाहते हैं कि अभी कोरोना का टाइम है, आप भी आप लोग अच्छे से रहिए, घर में रहिए, और बाहर निकलना हो तो मास्क लगा करके निकलिए, यही मेरा संदेश।